जनूबी अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त, 57 रन का दर। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। 10 अफगान खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन और तब्रेज शमसी ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इद्दत निकाह केस, इमरान खान को रिलीव मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। पीटीआई की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहने की पेशगोई। सिंध और पंजाब के कई अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतला अबर आलूद, आंधी और बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद और करम में बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात, रावलपिंडी में आंधी के साथ चंद मकामात पर बरसात की पेशगोई। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम को मुश्तइल कर दिया। कराची में रात गए इलियाकाबाद और गरीबाबाद में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। TB9 कोहलू में 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का गैर हतमी नतीजा जारी। नून लीग के नवाब चंगेज मरी 4372 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्ला मरी को 22 वोट मिले। कराची में शारे फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब तेज रफ्तार निजी कंपनी की बस दीवार से जा टकराई। हादसे में एक मुलाजिम जहां भाग, 20 जख्मी हो गए।